राधे राधे दोस्तों, कुक विद उपासना मिश्रा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देसी स्टाइल चाउमीन बनाएंगे बिना किसी सॉस के। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। अगर आप एक बार ये देसी स्टाइल चाउमीन बनाकर खा लेंगे तो मेरा यकीन मानिए सॉसेज वाली चाउमीन खाना भूल जाएंगे। ये इतनी ज्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चाउमीन बनाने के लिए हमने गैस पे एक भगोना में 4 कप पानी डाल दिया है। पानी में 1 चम्मच तेल डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ गया है, 1 पैकेट नूडल डालेंगे। आप किसी भी ब्रांड का नूडल ले सकते हैं। नूडल्स को मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए उबालेंगे, बीच बीच में चलाएंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, नूडल्स उबल गए हैं, इन्हें ओवर कुक नहीं करेंगे। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए ये आसानी से टूट रहे हैं। गैस को बंद कर देंगे और नूडल्स को छानेंगे। नूडल्स को पानी से धो लेंगे। अब हम नूडल्स को एक प्लेट में डालेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। गैस पे कढ़ाई रखेंगे और 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, 1 चम्मच सरसों डालेंगे, 1/2 चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक डालेंगे, कट की हुई 2 हरी मिर्च डालेंगे और हल्का सा भूनेंगे। अब हम इसमें 1 कट किया हुआ आलू डालेंगे। आलू को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, आलू भुन गए हैं। अब हम इसमें 1/2 कप कट की हुई शिमला मिर्च डालेंगे, 1/2 कप कट की हुई गाजर डालेंगे, 1/2 कप हरी मटर डालेंगे, 1/2 कप कटी हुई पत्ता गोभी डालेंगे। सब्जियों को हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भूनेंगे, इन्हें ज़्यादा नहीं पकाएंगे। हमने यहाँ पे फ्रेश हरी मटर का इस्तेमाल किया है। आप फ्रोजन हरी मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें बारीक कटी हुई लहसुन और प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, सब्जियों को हमने ज़्यादा नहीं पकाया है, ये क्रंची है। अब हम इसमें 2 कटे हुए टमाटर डालेंगे, साथ ही स्वाद अनुसार नमक डालेंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। मिक्स करेंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, इसे एक बार चलाएंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच टमेटो केचप डालेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। केचप ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। फ्लेम को लो रखेंगे और इसमें उबले हुए नूडल्स डालेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। चाउमीन बनके तैयार है। गैस को बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए, झटपट से बनके तैयार है बिना किसी सॉस के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी देसी स्टाइल चाउमीन। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।